किन्नू का शुमार तहसील सहीवाल समेत जिला सरगोधा की आम फसल में होता है। यहाँ का किसान किन्नू की फसल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरा साल मेहनत और खर्चा करता है, लेकिन फसल के तैयार होने पर इसकी मेहनत का ऐसे मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता, जिस बिना पर किन्नू का काश्तकार मैशी मसाइल का शिकार रहता है। मजीद जानते हैं लाइव न्यूज़ के नुमाइंदे तारक कासमी। मैं हूं तहसील साहिवाल से तारिक महमूद कासमी। ज़िला सरगोधा के दीगर इलाकों की तरह तहसील साहिवाल का किन्नू भी अपना मीठा और रसीला जायकेदार होने की वजह से एक खास मकाम रखता है। किन्नू का शुमार तहसील साहिवाल समेत ज़िला सरगोधा की अहम फसल में होता है। मकामी किसान किन्नू की फसल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए पूरा साल मेहनत और खर्चा करता है ताकि उसकी फसल का मुनासिब मुआवजा मिल सके, लेकिन फसल तैयार होते ही फैक्ट्री मालकान और हुकूमत के नामुनासिब रवैये की बदौलत उसकी मेहनत का वो फल नहीं मिलता जिसकी वो तवक्को कर रहा होता है। यूं मुआशी तौर पर किन्नू का काश्तकार मसाइल के गर्दाम में फंसा हुआ नजर आता है। यदि मेहनत बड़ी है, साल बार से मेहनत करें जी, खादा लेने वहने जी, लेकिन साल तो बाद यदि आमदन नहीं सान, यदि प्रॉफिट का ही नहीं सान, इसके नुकसान ही बनता पे आज ऐसी नुकसान है चाहे ऐसे भाई पूरा साल यदि मेहनत कर कर के जनाब ने तो फैक्ट्री वाले ऊपर रेट लाए कोई नहीं, ऐसे तो खादा कर गोडियां कर उर पर तो वाती बेखा तो जनाब ने बचत बेखा तो है ही कहे। किन्नू के काश्तकारों का कहना है कि सरगोधा का किन्नू पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत किन्नू के काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए संजीदगी से इकदाम उठाए।